ये फरमाने में दी अलहम तो बिन केवल नास दी सीन तक आने शान नजर आंदा पे हां अलग तो बिन के सीन तक कुरान मजीद फरमाने में दी एक एक हर्फ की बरकत है हां ये सुन रश हो ना और ये हर्फ का कोई ना कोई शान नजूल लाजमी है दो तक वाक गया यानी ये आयत क्यों नाजिल हुई है ये सूरत क्यों नाजिल हुई है ये सूरत क्यों बनी है करके ना तो सूरत कौसर का भी कोई शान नजूल है मुख्तलिफ अक़वाल हैं मुसलमान जनाका करीब का तैयार हुआ तो सीन में ऐलान नबूवत करवाए अबू जहल को तकलीफ दी अबू जहल ने अपने हम भयाला को चला सारे को सर के सर जोड़ के बैठ गए ऐलान की इस वक्त की सरजमीन के होते भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए नबी की में बन सकते उन्हें भी दलील दे क्यों नहीं नबी बन सकता आपने कहेंगे यकीन ए मुस्लिम न खाने वास्ते कुछ न पीने वास्ते कुछ दूजे पास वाले मैं तू देखो मक्के का सरदार मैं दौलत मेरे को बिल्डिंग मेरे को उठा की कतार मेरे को सरदारी मेरे को अगर अल्लाह नबूवत ले रहा अबू जहल दे मेरे को ले गया सरदार मैं इन यतीम को नबूवत क्यों दी है अबू जहल ने जरा अगला जुटा के ना अबू जहल ने आके ई नबी दे हाथ के अंदर ना कख दा अख्तियार कोई नबी कर कुछ नहीं सकता नबी के अख्तियार है अबू जहल ने जरा कलमात अल्फाज इस्तेमाल की ना रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील देर कर यार सिदरा छोड़ अपना मकाम छोड़ अपना मकाम छोड़ मारे गुरुदेव क्या है फरमाया बन मेरे हबीब को बन दिया इन्ना तैना कल कौसर रहमत की करीम ने तब कौसर अता फरमा चढ़िए अबू जहल का इकरार क्या करे नबी के हाथ के अंदर कब प्यार कोई ऐ मदनी प्यारे इशारा करे सो जान के दो टुकड़े दीसन ऐ मदनी प्यारे इशारा करना तोरे काम में लखो सिर को असर के टाइम पे लावना मेरे पे मौजूद है नारे तकबीर नारे इशारा नारे तहकीर सुभान
खुदा भी मौजूद है
बंदा बन गए कयामत तक तेरी कब्र को न चुमावा मैं पूरा पे मोहम्मद मुस्तफा दा सुभान लेकिन इनके वास्ते मेहनत तो चाहिए ना मुशक्कत तो चाहिए ना रब की रहमत बहाने तलाश करिए रब की रहमत बहाने तलाश करिए चोर है डाकू एक ओले चोर ही ओले डाकू जेड़ा चोर ते डाकू दे अंदर फर्क सुन गयो चोर ही वे जेड़ा रात को बन के संग मार के चोरी करे एक आदमी चोर इंदा जनाजा पढ़ना जायज है शरीयत दे अंदर इंदा जनाजा पढ़ना जायज है कलमा पढ़दा ही गुनाह कीते आप जिम्मेदार है तू चाहिए डाकू जेड़ा कह दी कन पट्टी दी आके पिस्तौल रख के आके निया काट रहा है सामने डाका मारे शरीयत आदे इंदा जनाजा इंदा पढ़ाए डाकू दा जनाजा पढ़ना भी जायज कोई ये कई डाकू चोर नहीं डाकू है घोड़े ते चढ़ के डाका मार दिया मैंने इन्हें गुजरे ना जंगल दिखो किकर खड़ाई जब किकर दी शाख तले लड़की खड़ी है इन्हें भजे ना घोड़ा भजा के क्या मैंने अपनी मंजर ते काफले को रुकना हासिल गुमान के वो किकर दी शाख अरी ये सिर ते पटका जरा पाद दे लहा दी दे किकर दी शाख ने बहाना देखो रब की रहमत देखो बंदा डाकू है रब की रहमत देखो रब कितना रहमान रहीम है ये डाकू जरा इन्हें उठा ही खड़ गए घोड़े तो बदले आ गए पहले उठे नहीं उठे के साके मैं डाकू जरूर ना मेरे को तकलीफ पहुंचाइए कोई मुसलमान गुजर सकते आज के मुस्तफा गुजर सकते उन्हें सिर ना लिटार सकी है अस से डाकू वो लिंगी मुझे तपिए मौत बात के थे कह रहे हाथ यार मेरा रिटा जन्नत की शहर बता कर रहे क्या पूछ रहे कि तमिया तू तो डाकू आ में चले आप डाके मरे ना में जवाब दीता मैं पूरी जिंदगी नेकी कोई नहीं की थी फकत किता की सांस में कट छोड़िए ताकि मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे रब ताला को अदा इतनी प्रसाद दिए ताकि मुत्र खुदा ने सारी जगह किया माफ करके जन्नत के दर मकाम अदा कर छोड़े अगर हो गए डाकू किता की लिमड़ी को कप्पे अल्लाह जन्नत अदा करे हो गए मोमिन मुसलमान आशिक मुस्तफा कलमे तैयबा भी पढ़ते हो सांस के अंदर रख के दुआ मांगे रब्बा नाक फिल्ली मालिक मेरी बख्शिश फरमा रात पर मैंने तू सर सही के तू बाप के दम जैसे मैं अल्लाह ने जन्नत पहली अता फरमा सुभान अल्लाह सुभान ये आशिक मुस्तफा की निशानी है लेकिन याद रखना है मैं अपने मौजू वाले पास ही आवा जेड़ा मैं अपना दर्द दिल रखना चाहना तबीयत थोड़ी जी नासाज है वजह यह है जो डॉक्टर आदम से नाम लड़ गया बदला अलग लड़े या कौन लड़ा मैं तो कोई नहीं पता सिर्फ दर्द है शिद्दत है दर्द है जिस्म में दर्द है दुआ करे सो अल्लाह सियात अता करे सो चलो लड़ाई हो तो प्यारे सिद्दीक की सुन्नत है मदद की दिया पर क्या मैं अर्ज क्या करना जरा दर्द दिल में रखना चाहना ओ ए भाई सर सजदे के अंदर रखना सारा फर्ज है ना ये सारे सवाब की महफिल मनावर का मकसद ही होंगे पिछले बारे में मैं अर्ज की थी कि दुआ को क्यों आलम दीन आके दसे कि जीवना की है तो मरना की है और तू सब को सवाल करे सो कि जीवना तो समझ के अंदर आ दे मरण का भी कोई तरीका कार है हां मरण का भी तरीका कार है मरण का तरीका कार की है अगर घर निकले वजू कर के निकले सही बुखारी शरीफ की आदि से तैयबा है आका करीम ने फरमाए जेड़ा बंदा घर वजू करके नेकी दा इरादा करके तुर पवे जितने कदम जैसी हर कदम के बदले रब के जलाल सबका करम के बराबर अजर अजीम अता करेसी और आका करीम ने फरमाए जेड़ा बंदा सबका करे बदल मौत को पा ले ले सबका लेकिन सबके दौरान अगर मौत आ बने अखा बाद ये दर उठी से दीदार मुस्तफा पहले नसीब सुभान अल्लाह सुभान और सर सही के अंदर रख लेना पहले पहले बंदे की आंख बाद देता हूं लेता अगर बंदा सारी रात गुनाह रावे करेगा ठीक है ना सारी रात गुनाह की तन्हाई की हालत के अंदर देखने वाला कोई नहीं बंद कमरा चार दीवारी घर के अंदर बंदा करे कोई गुनाह कहने चुगलखोरी करे कहने गीबत करे चपुई कह के कल्याण से सोचे गुनाह है ना किल्ला शिकवा करना सब तो बड़ा गुनाह है एक गुनाह के अंदर बंदा मुब्तला था ना सुन गए बिस्तर दिलते अब रब रहमान के रहीम है रब पर मैंने मेरा बंदा अगर तू गुनाह करके सारी रात सुते थक गए फम्मी डाल तेरी आंख बाप के अंदर खुल सी तेरे कान के अंदर पहले सुना सी हैया अल सलाम ऐ मेरा बंदा तू गुनाह करके तो थक गए मेरी रहमत तो कोई थकी आप सही मेरी रहमत तेरे पास से आके मस्जिद के अंदर अपने सर को झुका तो सही रुकू के अंदर आ कयाम के अंदर आ रुकू के अंदर आ सही के अंदर आ जब से जाए तशहुद पाए जब तू सलाम फिरे से सलाम फेरा के बाद आप जाके दुआ मांगे मैं रब का इतना रहमान तेरे नाल 40 परी
ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੁਲੇਸਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਜਨ ਮੈਂ ਕਾਦਰ ਮੁਤਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਮ عطا ਕਰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਬਈਤ ਉਸਲੀਮ ਇਨ ਗੈਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸਹੀ ਗਏ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਟਾ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖੜ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜਿਚਾ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰੁਕੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪਰ
ذکر پاک کی مجد ہوتی اور رب ذو الجلال والی قبر کو بوسہ گا بھی بڑا برا ہے سبحان اللہ پیارے اسماعیل علیہ السلام آپ کے ہاتھ پہ گئے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے گردن دے اپنی اکھن تے پٹی باندھ چھوڑی چھری کو کیتا تیز ترے بار چھری کو تیز کیتا آپ نے گلے تے رکھی چھری چھری چلائی چھری بھی چلی دوسری دفعہ چھری چلائی چھری بھی چلی یار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چھری کو میں اتنا تیز کیتا چھری چلدی کیوں نہیں پئی آپ نے کامے نال نہ پتھر دے تے ماری چھری پتھر دا کلیجہ چڑھ گیا چھری اتنی تیز ہے آپ نے بات چھری کو تیز کر کے جن اسماعیل علیہ السلام کے گلے دے تے رکھی چھری چلن والی ہے چھری نے اس کی مالک کو زبان عطا کر میں تیرے نال کلام کرنا چاہنی ہوں چھری نے اللہ نال کلام کیتی مالک میرے تے امتحان کی گھڑی آ چکی اگر میں چل دیا تیرا نبی اسماعیل کس دے اگر میں رک دیا تیرا نبی ابراہیم علیہ السلام رک دے میں تو رستہ لکھا قادر پتر ابدار فرما جبرائیل جی رب جلیل دیر نہ کر جلدی کر جنت وچ تم مار جا اسماعیل دی جگہ تے لٹا اج ایسا اسماعیل کو نہیں بچاونے قربانی بھی کراونے ہن تم مار آ گئے ابراہیم علیہ السلام نے تیرا چھری چلائی ہے چھری چلاون تو بعد اکھ تو پٹی ہٹائی نے اسماعیل سامنے موجود ہیں اور قربانی والی جگہ دے تے تو باہر آ پی چکا ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نے جو سامنے دیکھا نا اولاد کو زندہ دیکھ کے باپ دے دل دی دھڑکن ہوئے تیز کی ہے باپ دا ذکر ہے نا پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی کھڑ کے شکرانے دے چار نوافل پڑھے اللہ کو نوافل اتنے پسند ہے اللہ بعد اللہ شریک نے ابراہیم دے چار نوافل جا کے فرض بڑھا کے امت مصطفیٰ کو عطا فرما چھوڑا سوٹ بعد بھی کئی نماز دیواری آنگی دیگر آلی نماز یاد رکھا ہے دار بان پیشن کو لکان دلتے میں عرض کیتا ہے آقا کریم کا دیت و شریفی آج سارے غلام شکوا کر رہے ہیں باش مول میرے میں بھی پارے سامنے پہلے درد دے رکھ چکا بھی میری بھی گردن ایک درد ہے جسم ایک درد ہے آج اسا سارے شکوا کر رہے ہیں نا بالخصوص میرے بزرگ حضرات اے آتے پہ جسم کے اندر درد گولیا دے اندر درد جوڑا دے اندر درد کنزل مار شریف کی ابھی سے طیبہ ہے آقا کریم نے فرمایا نماز استا کی پارت ہوا ہے جن نماز اثر کی پارت ہوا ہے نماز اثر تو نہ چھوا ہے جڑا نماز اثر چھوے لے آقا کریم نے فرمایا اللہ جس سے میری جو طاقت کو چھپکی دے گولیا دے اندر بھی درد جوڑا دے اندر بھی درد جسم کے اندر بھی درد آقا کریم نے فرمایا جڑا بندہ نماز اثر کی پارت کر کے نماز اثر کو پڑھنا شروع کر دے ایک تے برکت ہے اللہ تعالی جس کے اندر طاقت کو پیدا کر چھوے لے اور دوسرے پاسو آقا کریم نے فرمایا او بندہ اس وقت تک مرضی کوئی نہ جب تک زبان دے کلمہ طیبہ دی صدا کو نہ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نماز اثر کی تو بڑی ہے نماز اثر کی تو بڑی ہے سیدنا یونس علیہ السلام آپ جو کیا ہے جو امتحان ایک پہلا امتحان آپ کو بچی نے کھا لیا کیویں کھادا کنڑ کھادا بچا کیا بڑی بات کے لیے موقع ملا بنا کر آپ کو مچھی نے کیتا کھا مچھی چل گئی سمندر کے اندر آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے پہلا امتحان کالا بھوک اندھیرا مچھی کا پیٹ جو ہے مچھی ہے چھوٹی تھام بنا لی سید رجون علیہ السلام مچھی جو میں تر رہی ہے بولے نے تر دی بڑی سمندر دی بڑی مچھی ہے یہ وہ مچھی کو کھا گئی جس پیٹ کے اندر سید رجون علیہ السلام پہلے ہی مچھی کے پیٹ کے اندر ہن دو مچھی کے پیٹ کے اندر ڈبل امتحان آ گیا آپ نے مچھی کے پیٹ کے اندر مدیت ہوا مالک بڑھائی اپنا نبی جس ہاتھ کے اندر رکھے میاں راضی اگر دنیا تے چلا رہے تامی میں تیری رضا بھی تیرا دی سمندر ایک بچاوے تامی تیری رضا بھی تیرا دی ایک مچھی کو لے کھاوے تامی رضا بھی تیرا دی تو کو لے کھاوے تامی تیری رضا بھی تیرا دی مالک اور کرم فرما میں کو زمین دیو تے بھیجتا تیری توحید احرام کرا رب نے فرمایا مچھی پیر کر سمندر دے کنارے تے میرے یونس علیہ السلام کو لہا چھو یونس علیہ السلام کو مچھی نے سمندر دے کنارے تے لہا ہے جڑ لہا ہے نا آپ بھولے ہولے چل دے سمندر دے کنارے دے تے جس ٹائم پہنچے نا آپ نے لکھا قدو شریف دی بال رہی کس چیز دی بال رہی ہے قدو شریف دی بال رہی آپ نے قدو شریف دی بال کو کھانا شروع کر دیتا ای واسطے آقا کریم نے دیا تو سلیم کو قدو شریف دی سبزی کو پسند ہے ایک مسئلہ سماعت کر دیو قدو شریف کوئی نہیں کھانا بے شک نہ کھا رہے کیا کوئی پسند بے شک نہ ہو
लेकिन इमाम साहब ने सावी शरीफ के अंदर फतवा लिख के आपने फरमाया अगर कद्दू शरीफ में सावन भर के तेरे सामने आ गए और ते हाथ नाल पीछे रखी थे तया के कद्दू में को पसंद कोई नहीं। इमाम साहब या ते मेरा फतवा है नहीं, तू दायरे इस्लाम तू हारत पी चुके, जब तक कलमा कोई ना पढ़ से ना बीवी तेरे वास्ते हलाल होसी ना खाना तेरे वास्ते हलाल होसी। चलो अगर कद्दू शरीफ आका करीम को पसंद आवे बंदा इंकार करे और दायरे इस्लाम तू हारे जे जरा खुद मोहब्बत मुस्तफा दा इंकार करे और दायरे इस्लाम दे अंदर कदे रह सकते मोमिन हुए तेरे दिल के अंदर कोई दे खुदा भी मौजूद है ना इश्क मुस्तफा भी मौजूद है। और सैयद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कद्दू शरीफ की बाल को खाता ना जिस्म के अंदर थोड़ी हरारत है ताकत है आपने समंदर के पानी ना वजू करके उठाई खार के शुक्राने के चार नवाफिल पढ़े। अल्लाह को नवाफिल इतने पसंद है अल्लाह ताला ने जूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार नवाफिल को चार के फर्ज बना के उम्मत मुस्तफा को अता फरमा दिया। अब वो आगे मगरिब के त्रै फर्ज, मगरिब के त्रै फर्ज एक बड़े सैयद ईसा अलैहिस्सलाम के दौर को जरा नबी तोमर सैयद ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा हजरत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा की जात बाबरकात के ऊपर सैयद मरियम अलैहिस्सलाम बेटियां दिया आपने दुआ मांगी मालिक मेरी मुसीबत टाल मैं तेरे शुक्राने दे नवाफिल अदा करे आपने जरा दुआ मांगी है ना और कौम आगे सारी जो के रब तआला ने फरमाया मरियम को अपने बाल ईसा अलैहिस्सलाम को आप चा कलाम चकर ना मगूल बच्चे अम्मा दी गोद के अंदर था की मगाले ईसा अलैहिस्सलाम ने कीता कलाम कलाम जने कीता बनी इसराइल की कौम चले गई पीछा आपने शुक्राने दे अदा कीते दो नवाफिल और एक नवाफिल अदा कीता हजरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तू ते इक त्राए ए बाणिया त्राए नवाफिल अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम दे त्राए नवाफिल चा के फर्ज बना के उम्मत मुस्तफा के महबूब को अदा करवा छोड़े। मगरिब के बाद केड़ी नमाज की वालियां दिए गई ईशा की नमाज ईशा की नमाज के फर्ज की तो बने सैयद अबू सलाम अलैहिस्सलाम ने जा जेन फिराम ने खुदाई दावा की है ना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू ही कर मेरे नाल जिहाद कर जब मुनाजरा कर जब मुबायला कर कुछ भी कर फिराम फिराम डट खाई आधा ही मकूम बना तकड़ा खुदाई दावा की कड़ाई आपके फौज ना आने से प्यार मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम तू ने आप के नाल आप दे हम प्यार बयान कलमा पढ़न वाले बयान अगू दरिया के किनारे ते गए ना उठाई खड़ के आज के मालिक मेरी तक है जेड़े कलमा पढ़न वाले अगर इन्हें तो कोई हिक की मार दिया ना या मारा दिया फिरौन की फौज ने खतरा कर छोड़ा इयो आज से मूसा ही कलमा पढ़ा था तीजा रीति साको साको मराम वास्ते कलमा पढ़ाई मालिक को मेरे वास्ते क्या हुक्म है रब ने फरमाया प्यारे मूसा तेरे हाथ के अंदर जेड़ा आशा है जेड़ा डंडा है इदु दरिया नु चला आपने दरिया नु चलाया दरिया ने रास्ता दे छोड़ा प्यारे मूसा गुजरे दरिया के दूसरे किनारे पे गए दरिया वाला बराबर थी गए आपने उठाई कर के चार नवाफिल पढ़े अल्लाह को नवाफिल इतने पसंद है अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम ने चार नवाफिल चार के फर्ज पढ़ा के उम्मत मुस्तफा के बाबू को अता फरमाया। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीर नारे हैदरी नारे हौसिया। और जेड़ा बंदा फजर की नमाज पढ़े अल्लाह वादा उला शरीफ को आदम अलैहि सलाम की इबादत का सवाब अता करे जेड़ा बंदा जोर की नमाज पढ़सी अल्लाह वादा उला शरीफ कियामत अली की मार जन्नत के अंदर प्यारे इब्राहिम का साथ अता करे जेड़ा असर की नमाज पढ़सी अल्लाह ताला जन्नत के अंदर प्यारे यूनुस का साथ अता करे जेड़ा बंदा मगरिब की नमाज पढ़सी अल्लाह ताला जन्नत के अंदर प्यारे ईसा अलैहि सलाम का साथ अता करे और जेड़ा बंदा ईशा की नमाज पढ़सी अल्लाह ताला जन्नत के अंदर प्यारे मूसा का साथ अता करे और जेड़ा बंदा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़सी अल्लाह वादा उला सी और जन्नत अता करे जिस जन्नत के अंदर बंदा नजर जाके देखती सामने दीवार मुस्तफा रसूल लेकिन इसका एक मसला समाप्त कर दिया एक काबिल बात समाप्त मसला ही है बंदा आके ना मैं नमाज पढ़ के सब पांच औ क्या कोई सो क्या नमाज नमाज पढ़ सा बेड़ा पार जन्नत मिल वैसी कोई ना काका ही में ना मिल सिया जब तक तेरे ते तेरे वालदैन राजी कोई ना हो अगर तू सर सैयद के अंदर रख के जुबान दू तो सुभान रब्बी जल आला है अम्मा नाराजी अप्पा नाराजी मां तू सैयद गए रब फरमाई जहन्नम में छोड़ो
इन इबादत को देखा जैन इबादत की फरमा बरदारी को देखा और अगर मर गया क्रिश्चियन के उत्ते पीछू बादा ते वाले दुआ मंगल वाले हुए इन हाथ जाके दुआ चमन से रफ्तार फरमेसी जिब्राई जीने पे चले इस बंदे को जानने में छुपा जन्नत पाकर मारे के तो तूने गा रही रफ फरमेसी ने दी तूने गाली को देखा जवाब दें दी दुआ की जाली को देखा सब दें ने दुआ मंगिए मैं रफ्तार ने दुआ को कबूल करके जन्नत के अंदर आला मकाम बता दूंगा मर्द किया गया अपने सहारी को धर्म वाली हज करने दे पाई औरत को लगो कोई हाजत में बेटी किस वास्ते बीवी पे याद किए तू लगावल मेरा सरदा ताज तेरे को बाल सही समझ के अंदर आसी औरत है मर्द रो के जिस्म कमर पे गए हाथ में करें दे सलाम तो मैं कर सकता डर लग दे कि नहीं कुछ सही अजाबी ना हो मैं तेरा कलाम की में करा औरत को बेटी सुबानी ने लगो औरत ने ये मन के पूछना करें दिया बीबी तू कौन है तू जवाब देता अगर हकीकत कुछ भी मैं सही अदा दी घर के अंदर खाने वास्ते कुछ कोई ना मैं रात की आ गया पीने वास्ते मंगन वास्ते मजबूर चीज है जब सही अदा की का नाम है ना मर की चीज निकली आपने कह दी कर्म वाली हज के जितने पैसे थे वो इतना वापस कर आपने भी पैसे वापस की थे सारे रला के बीबी को ये छोड़े बीबी एक है हज के बाद के लिए किस्मत सही हमेशा तू अपना काम कर बीवी चल के लगी गई उन्हें ना बात आई चार दोस्त मेरे काफले राल के मैंने यार जिस टाइम पहुंचना स्टेशन दूते या कहे जगह दूते काफले जितना इकट्ठे थे ना भाई दोस्त आ गए एक कोई ना आया इधर ना ही अल्लाह यार कोई ना आया सारे काफले वाले इंतजार कर रहे हैं ए रोंदो या वापस वाले या बीवी गुनाह गिन के काफले वाले गए हज करन जे हज करके वापस है वापस आके घर बाप के अंदर गए पहले अल्लाह यार को लो आके अल्लाह यार तक केला कर रहे शागु कितना मिलची उन्हा के नियाज तबारी चाह के मजदूरी करा कर रहे उन्हा के मुबारक ने और मास किया है आज ओ भी कर रहे हैं आज अस्सा भी कर रहे हैं ये आज जिस ले मसा पहुंच गए अल्लाह यार शर्म तुम्हारे नजर झुका के पढ़ाए तेरा करीब है कोई भी कृपा किया के मियां सारे को कई नाराजगी देगी अस्सा काबे के अंदर पहुंचे अस्सा तवाफ की ले तू सारे को तवाफ बता कहना में अस्सा पे जमजम पी लिए तू सारे लाला पे जमजम पी लिए अस्सा सफा के मरवा के दरमियान तू भी सफा के मरवा के दरमियान अल्लाह यार आज मैं परेशान किया मैं आज करा किया तो कोई ना एक क्यों निशाने कह रहे हैं हाथ में गायब की आवाज है ऐ मेरा बंदा तू अगर अल्लाह यार है मैं रब रहमान किया मैं रब रहीम किया मैं तेरी शक्ति का एक फरिश्ता पैदा की थे जरा कयामत तक तेरे नाम का आज भी कह रहे हैं जी यार को राजी करना मुश्किल होने
हां ए काजा अलियार जड़ा है अलियार जान दे जिन दुश्मन जनरल सो सलाम वास्ते जुंदे को जे अगर नालू टप को ना नरमी आप के अंदर पैदा जगह नालू टपे ना इवे चा अस्सलाम वालेकुम देवे जवाब ते बामे को ना दे बला जन टपे ना वाचा के अस्सलाम वालेकुम बला चाते अस्सलाम वालेकुम وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
الحمد الرحمن الحمد لله رب العالمين ألا